खरगोन भाजपा की जन विरोधी नीतियों और महंगाई से परेशान आम जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत की, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने 1 फरवरी को कुंदा नदी तट पर स्थित सिद्धि विनायक का पूजन अर्चन किया और घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करने का बेड़ा उठाया, जिसमें जिला ब्लॉक मंडल सेक्टर अध्यक्ष पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता अपने अपने कार्य क्षेत्र के प्रत्येक बूथ तक पहुंचकर नए सदस्य बनाएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और भिकनगांव विधायिका झूमा सोलंकी और कांग्रेस जिला प्रभारी गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी ने बताया कि घर चलो घर घर चलो अभियान 1 फरवरी से 28 फरवरी तक लगातार चलेगा। अभियान में प्रतिदिन कम से कम 5 पोलिंग बूथ के मतदाता के पास कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता जाएंगे। लोगों को कांग्रेस की नीति रीति के संबंध में जानकारी दी जाएगी, लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे जिला अध्यक्ष जी को पुष्प माला अर्पित करके स्वागत करें। अल्लू भाई कहाँ है भाई? असलम भाई ठेकेदार वो भी आए और स्वागत करें। साथियों, ये प्रदेश कांग्रेस का घर घर चलो अभियान की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। अब हम आज खरगोन शहर के 2 वार्ड में करेंगे, 12 और 13। क्या आशा रखते हैं आगे? जी, हमारे सर्वप्रथम तो जनी है और सनातन धर्म में ये है कि कोई से भी अच्छे कार्य के लिए आप करते हो तो प्रदेश में गणेश जी से आप पूजा पाठ करना करते हो कि निर्विघ्न हमारा कार्य संपन्न हो, और हमको पूर्ण विश्वास है कि खरगोन के साथ साथ पूरे प्रदेश में हमारा घर चलो घर घर अभियान और सदस्यता अभियान। क्या आगामी रणनीतियाँ बनाई गई अभी? आगामी रणनीति इसके बाद और होगी वो आपको बता दी जाएगी। आज आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? आज हम कौन से वार्ड 13 से कर रहे हैं। अभी देखा गया था कुछ बच्चों के पीछे भी कांग्रेस वाले पोस्टर भी चिपके गए थे, तो ये हम क्या माने कि एक पॉजिटिव साइन आ रहा है आपके लिए आने वाले चुनाव को लेकर? बिल्कुल बेशक पॉजिटिव है, और हमारे जिला अध्यक्ष जी जिस हिसाब से सक्रिय है बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, ये पूरा है। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है ये उसकी शुरुआत है, बच गई है गणेश जी के मंदिर की और उनका आशीर्वाद हमको मिला ही है, तो निश्चित ही माननीय कमलनाथ जी के निर्देशों पे जो कार्यक्रम हमको दिया घर चलो घर चलो, तो ये हम लोग सीधा मतदाताओं से संपर्क करेंगे, कांग्रेस पार्टी से जोड़ेंगे भी। 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा कांग्रेस पार्टी का वो उसकी उपलब्धियाँ हमें उन्हें बताना और सरकार की विफलता को भी हम गिराएंगे। तो निश्चित ही आज का जो माहौल है, आज बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि किसी भी युवा के हाथ में काम नहीं है, किसान परेशान, और जो पर्यावरण बन रहा है बार बार सूखा या फिर पानी अधिक गिर रहा है, इन फसलों के नुकसान से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और ना उनको उनके दाम मिल रहे हैं, जो फसल का उत्पादन हो रहा है उनसे ना दाम भी नहीं मिल रहा, तो चारों ओर कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, कोई खुश नहीं है। ये माहौल कांग्रेस के फेवर में जाएगा, जिस तरह से 2018 के समय में हमको बहुमत मिला था और जनता ने भरोसा किया था, उसी तरह 2023 में भी और 24 में भी लोकसभा भी और विधानसभा में भी दोनों चुनाव में कांग्रेस के फेवर में आम जन का जनमानस बन रहा है, जिनका जन समर्थन वो दिखता है। देखा गया था अभी वीडी शर्मा जी आए थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, उनको बहुत ज़्यादा जन सहयोग प्राप्त हुआ था, बहुत ज़्यादा जन सैलाब उनके साथ एकत्रित हुआ था, क्या कांग्रेस भी अगर कोई कार्यक्रम ऐसे करते तो इतना ज़्यादा जन सैलाब और जितना आज का जो कार्यक्रम है, माननीय कमलनाथ जी इंदौर से शुरुआत कर रहे हैं इस कार्यक्रम का और पूरे मध्य प्रदेश में हर ब्लॉकों में ये कार्यक्रम होगा, हर जगह पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे प्रभारी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष सारे एक साथ कर रहे हैं, तो निश्चित ही एक ये पोल खोलो अभियान भी है, कांग्रेस को जोड़ो अभियान भी है और पूरी मजबूती के साथ 2023 में कूदने का शंखनाद भी है ये, तो ये मान के चलो ये इस तरह की योजनाएं माननीय कमलनाथ जी के निर्देशों पे आते रहेंगी और हम लोग पूरे उसको जन आंदोलन के रूप में लेंगे और जनता को जगाएंगे और हमारे पक्ष में उनको लाने की पूरी कोशिश करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।